पहले दिन रात में ही सभी सीसीटीवी कैमरा जो आसपास थे उन्हें तलाश किया गया। एक ब्लर सी इमेज, एक धुंधली सी इमेज हमें एक कैमरे पर मिली, जिससे हमें हुलिया का अंदाज़ा हो गया और कुछ कपड़ों के कलर का अंदाज़ा हो गया। फ़ोटो साफ़ नहीं है, नेचुरली रात की फ़ुटेज बहुत साफ़ नहीं आती है, आप सभी की जानकारी में है। लेकिन उन कपड़ों के कलर आ जाने के बाद में वहाँ पर जो भी लोग आसपास रहते हैं, ढाबे हैं, आसपास की जो झुग्गियाँ हैं, उन सभी लोगों से उस हुलिये को दिखा करके पूछताछ शुरू की गई। पूरी रात एफर्ट करने के बाद में कई लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया कि साहब ये हुलिये से और इसके आज के कपड़े देख करके लग रहा है कि शायद ये महेंद्र सिंह या कुशाल सिंह है, इसने आज ये कपड़े पहने हैं। इस तरह के कुछ कुछ इनपुट हमारे पास आना शुरू हो गए। उन इनपुट्स को एस्टैब्लिश किया गया, इस व्यक्ति के जो भी ठिकाने हैं उन ठिकानों पर रात में रेड की गई। ये व्यक्ति रात में ही गायब हो गया था, इसलिए अपने ठिकानों पर नहीं मिला। हमने इसके बाद में इसके हर उस संभावित ठिकाने पर रेड की जहाँ पर कि ये पिछले कुछ महीनों में रहा है। लेकिन ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने भीम क्षेत्र में उस सघन जंगलों के बीच में जाकर के छुप गया था, इसलिए ये उस दिन हमें मिल नहीं सका। संघर्ष क्योंकि आदतन अपराधी था, पुलिस और पकड़ने में कोई संघर्ष? देखिए, हमारे लगभग 50 के आसपास जवान इसमें लगे हुए थे। निश्चित रूप से पकड़ते समय थोड़ी बहुत खींचतान होती है, पर कोई ऐसा मेजर संघर्ष नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में फोर्स थी जो कॉम्बिंग कर रही थी उस जंगल का, और बहुत डिटेल में कॉम्बिंग की गई, उसके बाद में इन्हें पकड़ा गया वहाँ। किस तरह की वारदात पहले कर चुके हैं जैसे कि आप बता रहे हैं? देखिए, शराब से जुड़े हुए इनके क्राइम है, मारपीट भी करी है इन्होंने, शराब इलीगली शराब के बेचैन के इनके मामले हैं। पूरी फैमिली के बारे में तो मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हमने अभी उस लेवल पर इंटरोगेशन इनका नहीं किया है। अभी हमने इन्हें पकड़ा ही है और अभी हम केस के इर्द गिर्द चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। डिटेल में एक दो दिन में हम इनसे और इंटरोगेशन करके हर बात को पता करेंगे। तो इसके कौन कौन से साथी इनके अन्य क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं, इन्होंने और क्या क्या क्राइम किए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। सर, आज ब्यावर में ऐसा ही बात